विकास करें सर, कैन शेयर मार्केट बिकम प्राइमरी इनकम सोर्स इंस्टेड ऑफ जॉब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ? काइंडली प्रोवाइड होलिस्टिक पिक्चर। एट एनी पॉइंट इन लाइफ यस, बट तब तक आप लें ऑलरेडी। देखो स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट ना तो जुआ है, ना ही एक दिन में 100 करोड़, 100 रुपये से 100 करोड़, 1000 रुपये से 1 लाख रुपये से 100 करोड़ बनाने का, या जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ या मैं थोड़ा पैसिमिस्टिक साउंड कर रहा हूँ, बट ये सारी चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं आई डू बिलीव कि आपके पास कुछ एक्स अमाउंट है, उस पर आप कुछ वाई परसेंट रिटर्न कमा सकते हो, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, अब वाई परसेंट रिटर्न, चाहे वाई आप कितना भी हाई ले जाओ, वो सिग्निफिकेंट तभी बनेगा जब आपका एक्स अच्छा खासा है। एक्स का मतलब क्या है? कैपिटल। तो बेसिकली आप एक कैपिटल पे कुछ परसेंटेज रिटर्न्स कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से। लेकिन कैपिटल रिटर्न्स, अब मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं चाहे इस पैसे को डबल भी कर दूं हर साल, तो मैं क्या कमा लूँगा? 100 रुपये से 100 रुपये कमा लिए डबल करके, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना। और मेरे पास चलो 1 लाख रुपये भी हैं, मैंने 1 लाख रुपये को डबल भी कर दिया, करना आसान नहीं है, पर मान लो मैंने डबल भी कर दिया, मान लिया मैंने दुनिया का मैं सबसे बढ़िया ऑप्शन सेलर ऑप्शन ट्रेडर हूँ, मैंने एक साल में उसको डबल कर दिया, तभी मैंने 1 लाख रुपये कमाया। तो आप समझ रहे हो, स्टॉक मार्केट को प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम तभी बनाया जा सकता है जब आपने लाइफ में ऑलरेडी पैसा कमा लिया है, और अब आप का वो जो कॉर्पस है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि आप उस पर कुछ भी रिटर्न्स कमाओगे, दैट विल बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, और मे बी दैट विल बी सिग्निफिकेंट इनफ कि आपकी कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जो भी है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है, उसको मैच कर सकता है, उसके आसपास हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अब हमेशा तो आप बराबर कमाना नहीं चाहोगे, हो सकता है रिटायर होकर आप थोड़ा सा कम भी कमाना चाह सकते हो, या हो सकता है ये ज़्यादा हो सकता है, सब डिपेंड करता है कि आपका एक्स क्या है और वाई क्या है। बट बॉटम लाइन इज कि आपके पास कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो जस्ट ग्रेजुएट हुए हो और आप सीधे स्टॉक मार्केट को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना लोगे, जॉब वगैरह करनी नहीं है, किसी को पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको ऐसे सपने दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा माय फ्रेंड। अब लाखों में एक के साथ किसी के साथ कोई लक काम कर जाए वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट इससे ज़्यादा चांसेस तो किसी और चीज़ में होंगे। तो आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए कि आप कैपिटल बनाते रहें स्टॉक मार्केट के लिए साइड, और तब तक आप इसको साइड बाय साइड करें, क्योंकि आपको इसको लर्न करने में समय लगेगा, समय 1-2 महीने या 1-2 वीक नहीं, सालों लगेंगे। वो सालों आपको जॉब के साथ स्पेंड करने हैं, तब तक पैसा कमाते रहना है, और फिर देखना है कि मेरी जो पहली बात तो 100% ऑफ द लोग जो चाहे तहे दिल से भी सीखें वो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये तो हर चीज़ में ही है, चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, कितना भी आप अच्छे से तैयारी करो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, 100% ऑफ द लोग तो करते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कितने भी साल स्पेंड कर दें और कभी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे ना हो पाए। ठीक है, वो तो अलग चीज़ है, नहीं हो पाए तो फिर तो कुछ करना ही नहीं है। बट अगर आपने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है जॉब के साथ साथ करते जा रहे हैं और कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट है आपके अंदर, तो आपका एक पॉइंट आ जाएगा व्हेन यू विल हैव इनफ एक्स एंड यू विल हैव इनफ वाई। एक्स इज आपने कितना कैपिटल कमा बना लिया है अपनी जॉब से, अपने इतने साल कर लिए होंगे तो एक्स भी बन गया होगा, और क्योंकि आप साथ के साथ सीखते चले जा रहे थे तो आपका वाई भी समय के साथ इंप्रूव हो गया होगा। एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सी कि आपका जो वाई परसेंटेज ऑफ एक्स है, बेसिकली जो आप कमा पा रहे हो स्टॉक मार्केट से, वो कितना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हो। बट ये कोई आसान काम नहीं है और 1-2 दिन की बात नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये होलिस्टिक व्यू मेरा पसंद आया होगा।